बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 16 के अंदर आज हम लोकोमोशन इन पैरामीशियम अमोएबा एंड जेलीफिश के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम पैरामीशियम, ठीक है कि पैरामीशियम का थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि ये किंगडम प्रोटिस्ट का एक मेंबर है, ठीक है। और पैरामीशियम के अंदर तमाम ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। इसमें आपको न्यूक्लियस नजर आएगा, दो न्यूक्लियस होते हैं इसके अंदर। फिर इसके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया और ऑर्गेनेल्स इसके अंदर मौजूद होती हैं। ये यूकैरियोटिक सेल्स है, सही। हम क्योंकि इसे लोकोमोशन के हिसाब से पढ़ना है, यानी लोकोमोशन के रिस्पेक्टिव से पढ़ना है, तो जो लोकोमोटरी ऑर्गन इसके अंदर वो सीलिया है, ठीक है। यानी इसकी बाहर सेल मेम्ब्रेन में से कुछ धागे की तरह, ठीक है, जिसमें छोटे छोटे धागे होते हैं, इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, थ्रेड लाइक एक्सटेंशन जिसे हम कहेंगे, जो कि सेल मेम्ब्रेन से बाहर आ रहा है, ठीक है, इसे हम सीलिया कहते हैं। और इसकी जो सी लेंथ है वो माइक्रोमीटर्स में होती है, ठीक है, यानी 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। और माइक्रोमीटर का आपको आइडिया होना चाहिए 10^-6 मीटर। सो यानी बहुत छोटे छोटे से धागे होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन से बाहर आ रहे होते हैं, ठीक है। और यह सीलिया जो है ना, एक कह लें कि जिस तरह चप्पू होते हैं किश्ती के, चप्पू की तरह ये हरकत करते हैं, ठीक है। लेकिन किश्ती के चप्पू में और इसमें थोड़ा सा फर्क यह है कि किश्ती के चप्पू तो एक ही वक्त में सारे चलते हैं ना, ठीक है, पैरेलल चलते हैं, लेकिन इसके अंदर पैरेलल नहीं होते बल्कि वेव लाइक, ठीक है, कि ये सॉरी वेव लाइक मूवमेंट शो करते हैं, सही। कि मसलन यहां से एक वेव स्टार्ट होगी इस तरह, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे एक्सटेंड होती जाएगी इस तरह, फिर इस तरह, सो ये वेव आगे एक्सटेंड होती जाएगी। सो सारे एट अ टाइम एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, बल्कि यानी डिफरेंट डायरेक्शन होगा, लेकिन वेव होगी जो इस तरह आगे, लहर जिस तरह सिलवटों की लहर सी एक किस्म की आगे की तरफ जाएगी, सही। तो थोड़ा सा हम सीलिया के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर लेते हैं। सो ये कह लें कि सीलिया है, इसके अंदर आपको छोटे छोटे फाइबर्स नजर आएंगे, मोस्टली ये ट्यूबुलिन प्रोटीन होती हैं जिसके जरिए से ये बने होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपको ये ऑलमोस्ट 9 पेयर्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पेयर्स हैं, और ये ऑलमोस्ट 8 का हिस्सा बनाते हैं, ठीक है, इस तरह यानी 8 से नजर आता है, एक्चुअली 8 से नजर आता है। सो इसमें यानी जो बीच में ट्यूबुलिन प्रोटीन्स हैं, मोस्टली इसके अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होते हैं या एक्टिन प्रोटीन्स होती हैं जिसे हम कहते हैं, एक्टिन प्रोटीन्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, सही। सो इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो ATPs कंट्रोल करता है, ठीक है, कि यानी ट्यूबुलिन प्रोटीन्स को ATP सप्लाई होते हैं जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्शन से इनके अंदर मूवमेंट आती है। फिर पैरामीशियम की मूवमेंट के बारे में मजीद एक साइंटिस्ट था ब्रैडफोर्ड, ठीक है, नी साइंटिस्ट नेम वाज ब्रैडफोर्ड, और उसने 1955 के अंदर एक यानी कह लें कि दो पॉइंट्स डिस्कस किए कि ब्रैडफोर्ड, सादा ऊपर लिख दिया मैंने, इसे उठा के हम नीचे ले आते। सो ब्रैडफोर्ड 1955 के अंदर उसने कहा जी कि बेसिकली जो सिलिया मूव करते हैं इसके अंदर दो स्ट्रोक्स हैं, एक उसने कहा जी पावर स्ट्रोक और एक रिकवरी स्ट्रोक। फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए जो है वो पावर स्ट्रोक होगा कि जो सिलिया हैं, ठीक है, ये एक किस्म कह रहे हैं कि बेंड करेंगे, जिस तरह चप्पू चलता है किसी भी, मसलन ये सारा इस तरह पैरामीशियम है। सो सीलिया इस तरह चप्पू की तरह पीछे की तरफ होगा, पानी को यानी पीछे की तरफ धकेलेगा और खुद आगे की तरफ जाएगा, सही। रिकवरी स्ट्रोक में वापस सीलिया वापस आएगा, लेकिन जब ये वापस आएगा तो ये जो कह लें कि पैरामीशियम है वो उसकी मूवमेंट पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब वो यानी कह लें कि जब पावर स्ट्रोक के अंदर जब ये सीलिया को मूव करवाएगा उसके अंदर ग्रेटर रेडियस होगा,
ठीक है, ग्रेटर रेडियस से क्या मारता है कि इसमें पानी को ज्यादा पीछे की तरफ धकेलेगा, फिर जब वो वापस लेके आएगा स्मॉलर रेडियस के साथ उसकी मूवमेंट होगी, ताकि जो रेजिस्टेंस है या पानी का जो दबाव है वो कम से कम फील हो, ठीक है, ऊपर ज्यादा होगा नीचे कम, जिसकी वजह से जो पैरामीशियम है वो आगे की तरफ मूव करेगा, सही। यानी लाइक अगर मैं पैरामीशियम यहाँ पे बनाऊं, सही, यानी इसका जो सीलिया होगा इस तरह सीलिया, और ये इस तरह आगे की तरफ मूव करेगा। इसके अलावा पैरामीशियम के अंदर एक और प्रॉपर्टी भी है, वो भी आपको बताता चलता हूँ मैं, कि जो पैरामीशियम है इट कैन ट्विस्ट अराउंड इट्स एक्सिस, सही, कि यानी इस तरह ये घूमती भी जाती है, जिस तरह आप कह लें कि कुछ स्पिनिंग एक्शन होता है इसका, और स्पिनिंग एक्शन से भी इसकी वेलोसिटी में इंक्रीज आता है, ठीक है। सो एक तो सिलिया हो गया, तो दूसरा सेकंड कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या होगा इसकी, जो स्पिनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, कि ये स्पिन भी होता है। सो सिलिया के बारे में हमने पढ़ा, और सिलिया को हमने थोड़ा डिस्कस किया डिटेल में, तो ये सारी थी मूवमेंट जो के पैरामीशियम के अंदर होती है, और इस मूवमेंट को कंट्रोल कौन कर रहा होता है, एटीपीज, सही। सो एटीपीज क्या करते हैं कि जो प्रोटीन्स एक्टिन प्रोटीन्स होती हैं, मोस्टली एक्टिन प्रोटीन्स को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, के फर्स्ट जो कह लें कि पहला कौन सा स्ट्रोक था, पावर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक के अंदर ये फाइव जोन से हैं, ठीक है, फाइव जो कह लें कि ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इन पावर स्ट्रोक, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ये फाइव ट्यूब्यूल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और ये इस तरह बैंड करवाएंगे, फिर जो रिकवरी स्ट्रोकर्स में ये फोर जोन से रिमेनिंग ट्यूब्यूल्स है वो वापस इसको ओरिजिनल कंडीशन के अंदर लाएंगे, सही। सो इस तरह ये पावर स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक के अंदर यानी दो स्टेप्स हैं जिसके जरिए से पैरामीशियम मूव करता है, ठीक है। सो ये सारा हो गया मूवमेंट इन पैरामीशियम। अब हम जरा अगले स्पीशी पे चलते हैं, जैसे अमोइबा। अमोइबा के बारे में आप सब जानते होंगे, ये भी किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है, ठीक है। अमोइबा, अमोइबा जो है ये बिल्कुल कह लें कि जिस तरह पानी जमीन पर बहता है, ठीक है, कि लाइक अगर मैं ये ग्राउंड है, ठीक है, और ये अमोइबा बना रहा हूँ यहाँ पे, सही, ये इसका पॉइंट वन है फॉर एग्जांपल। सो ये जब मूव करेगा तो किस तरह मूव करेगा, किसका ये पॉइंट वन जो है वो आगे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो बकाया जो पार्ट है वो इस तरह जिस तरह पानी बहता है ना, उस तरह ही यानी उसके साथ साथ सरफेस के साथ साथ बहता है, ठीक है। और इसके जो फ्लोइंग प्रॉपर्टी है, फ्लोइंग प्रॉपर्टी ही इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करती है, और साथ साथ डायरेक्शन को भी, ठीक है। मूवमेंट तो इसकी फ्लो लाइक है, ठीक है, इट जस्ट फ्लो ऑन सरफेस, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन के लिए ये एक सीडोपोडिया बनाता है, ठीक है। कहीं नहीं है, मसलन अब इसने जाना है, अगर ये आपके सामने एक अमोइबा है, इसने जाना है पॉइंट ए के पर, सो इसने अपनी बॉडी से एक सीडोपोडिया बनाना है और इस तरफ एक्सटेंड करना है, फिर आज तक सारी बॉडी को इस तरफ बहा देना है, सही। सो फ्लो ऑन सरफेस, और आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि फ्लो जो है ये किस वजह से होता है, दैट इज ड्यू टू स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, के बेसिकली जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है वो मूव कर रहा होता है, यानी वो अपने आप को बहा रहा होता है उस डायरेक्शन के अंदर, और उसके साथ साथ सारे ऑर्गेनेल्स भी साथ साथ उसी के साथ बहते हैं या उसी के साथ ट्रैवल करते हैं, ठीक है। सो अभी भी इसके अंदर जो अगर हम सीडोपोडिया का अगर हम इसके अंदर कंसेप्ट देखें तो सिंपल वो ये है डायरेक्शन के लिए, वैसे जो एक्चुअल इसकी जो मूवमेंट है वो सरफेस के साथ बहना होती है, ठीक है, इट्स फ्लो लाइक प्रॉपर्टी यानी स्ट्रीमिंग मूवमेंट जो सी है इसकी। सो ये हो गया मूवमेंट हमारे पास अमोइबा के बारे में। इसके बाद हम जेलीफिश को डिस्कस करते हैं। सो जेलीफिश कह लें कि इनवर्टिब्रेट्स में आती हैं, ये भी सैनिडेरियंस में आती है, ठीक है, फाइलम सैनिडेरियंस इनवर्टिब्रेट्स हैं ये अलबत्ता। तो
जेलीफिश का आपको सामने स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा है, बहुत सॉफ्ट से ये होते हैं, ठीक है, कि इनकी जिस कहने की बॉडी है बहुत सॉफ्ट होती है और इसके अंदर कैविटी होती है, ठीक है, इसे हम बॉडी कैविटी कहते हैं, बॉडी कैविटी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट जेली फिश, जेली फिश के बारे में हम बात करें। सो जेली फिश के अंदर क्या होती है, बॉडी कैविटी होती है। सो ये किस तरह वर्क करता है, अगर मैं इसका अलग से डायग्राम बनाऊं लाइक दिस, तो सबसे पहले फेज के अंदर ये एक फॉर एग्जांपल जेली फिश है। सो जेली फिश सबसे पहले फेज के अंदर बाहर से वाटर इनटेक करेगी, इट विल टेक वाटर, सही। और वाटर लेने के बाद जिसका स्ट्रक्चर होगा इट बी मोर लाइक दिस, ठीक है, यानी इसकी जो कैविटी है फिलअप हो जाएगी और इसका स्ट्रक्चर इस तरह हो जाएगा और इसके अंदर यहाँ पे पानी अंदर जमा हो जाएगा, सही। सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेगा जेलीफिश, क्या करेगी कि ये इस पानी को एकदम बाहर निकाले विद द प्रेशर, सही, कि नहीं ये वाटर को प्रोपेल आउट, इट विल प्रोपेल आउट वाटर, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, इनटेक ऑफ वाटर को, ये वाटर को इनटेक कर रहा है। फिर ये सेकंड स्टेप के अंदर यहाँ पे देखें तो आपको स्टोरेज ऑफ वाटर नजर आ रही होगी, स्टोरेज ऑफ वाटर, सही। और थर्ड स्टेज के अंदर प्रोपल्शन ऑफ वाटर, ठीक है, प्रोपल्शन ऑफ वाटर, ठीक है, कि वाटर को ये एकदम प्रोपेल कर, जिस वजह से ये एक्सलरेट होगा अपवर्ड, ठीक है, कि अगेंस्ट द प्रोपल्शन, यानी न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक अगर ये वाटर को पीछे की तरफ रिलीज करेगा खुद ये आगे की तरफ जाएगा, तो इसे इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं जेट प्रोपल्शन, इज नोन एज जेट प्रोपल्शन, सॉरी, ठीक है। सो अब हम रिवाइज कर लेते हैं, मसलन आज हमने जो जो पढ़ा इसमें, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम पैरामीशियम, सो पैरामीशियम भी प्रोटिस्ट है, चीजें हमें रखनी है आपने कि ये भी प्रोटिस्ट एनिमल है जिसके अंदर यूकैरियोटिक एनिमल्स यूनिसेलुलर मोस्टली होते हैं, और इसके अंदर सीलिया मेन लोकोमोटरी ऑर्गन था, ठीक है, सीलिया जो कि इसके बॉडी को कवर अप कर लेता है, हर साइड पे सीलिया मौजूद होता है, और सीलिया जो सा है वो वेव लाइक मूवमेंट जनरेट करता है, सही। और इस सीलिया का हमने स्ट्रक्चर थोड़ा स्टडी किया कि सीलिया के अंदर हमें एक्टिन प्रोटीन नजर आई जो कि 9 पेयर्स की शक्ल में थी, ठीक, और ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है इन द प्रेजेंस, जब जब हम इसे एटीपीज देंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। फिर एक साइंटिस्ट था ब्रेडफोर्ड, उसने 1955 के अंदर इसकी मूवमेंट के लिए 2 पॉइंट्स डिस्कस किए। उसने कहा जी के जो पैरामीशियम की मूवमेंट है वो 2 स्ट्रोक पर मुश्तमिल है, एक फॉरवर्ड स्ट्रोक एंड सेकेंड वन इज मीन पावर स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक, ठीक है। पावर स्ट्रोक के अंदर जो पैरामीशियम है वो फॉरवर्ड मूव करेगा, रिकवरी स्ट्रोक के अंदर जो सीलिया है वो अपनी मेन पोजीशन पे आएगा लेकिन इस दौरान वो बैकवर्ड मूव नहीं करेगा, ठीक है। उसने कहा जाएगा पावर स्ट्रोक कब होगा, जब 5 ट्यूब्यूल्स आउट ऑफ 9 जो से हैं, 5 एक्टिन कहने प्रोटीन पार्टिकल्स जो से वो अट्रैक्ट होंगे, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट होंगे और बेंड करेंगे, ठीक है, जिसको से पैरामीशियम आगे की तरफ मूव करेगा। और जबकि रिकवरी स्ट्रोक के अंदर रिमेनिंग 4 जो से हैं एक्टिन मालिक्यूल्स वो उसको वापस अपने ओरिजिनल कंडीशन के अंदर लेके आएंगे, सही। और इस सारे प्रोसेस के दौरान एटीपीज रिक्वायर्ड होते हैं, और ये जो सीलिया हैं वो एट अ टाइम ही नहीं, एक जैसे ही इनकी मूवमेंट नहीं होती बल्कि एक इनमें वेव से स्टार्ट होती है, लाइक पहले ये मूव करेंगे फिर ये वेव आस्ता आस्ता आगे ट्रैवल करेगी, फिर ये मूव करेंगे फिर आगे ट्रैवल करेगी, ये मूव करेंगे, सो वेव लाइक प्रॉपर्टी आपको इसके अंदर नजर आएगी। देन अमोबा के बारे में पढ़ा, अमोबा भी प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, और इसके अंदर फ्लो लाइक प्रॉपर्टी, जिस तरह पानी जमीन पर या किसी सतह पर बहता है उसी तरह अमोबा भी बहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये अमोबा बनाया हमने तो ये 0.1 है, सो थोड़ी देर बाद आगे ट्रैवल करने से 0.1 इधर आ जाएगा, सही। सो ये फ्लो ऑन सरफेस सिंपल, और ये फ्लो किस वजह से होती है, स्ट्रीम मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म के, साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है, सॉरी।
ओ साइटोप्लाज्म। इसके अलावा डायरेक्शन के लिए सीडोपोडिया यूज करता है कि यानी फॉर एग्जांपल अगर इस तरफ फूड है, ए पॉइंट पर फूड है, सो ये इसकी डायरेक्शन के अंदर एक कहने प्रोजेक्शन निकालेगा साइटोप्लाज्म का, और फिर अपने पूरे साइटोप्लाज्म मास को इस तरफ मूव करेगा। सही। सो सीडोपोडिया को हेल्प करता है डायरेक्शन देने में। फिर हमने जेलीफिश के लिए पढ़ा, जेलीफिश जिसकी कह लें कि अम्ब्रेला शेप बॉडी होती है, ठीक है, लाइक अ बेल, जिस तरह घंटी होती है बेल की तरह। सो इसके अंदर क्या होती है कि बॉडी कैविटी होती है। सही। यानी इसकी ये बॉडी कैविटी जिसे आप बेल भी कह सकते हैं। सही। सो ये अपनी बॉडी कैविटी के अंदर वाटर को स्टोर करता है, उसके बाद से यकदम कह लें कि प्रेशर के साथ प्रोपल करता है, जिसकी वजह से इसको मोमेंटम गेन होता है। सही। यानी मोमेंटम की वजह से फिर आगे फॉरवर्ड ट्रेवल करता है। इस सारे कह लें कि प्रोसेस को जेट प्रोपल्शन का नाम दिया गया है, ठीक है, जो कि किसमें हो रहा है, जेलीफिश के अंदर। सो आज हमने लोकोमोशन इन पैरामीशियम, अमोइबा एंड जेलीफिश के बारे में बात की। कल हम लोकोमोशन इन अर्थवॉर्म और फिर काकरोच, स्नेल और स्टारफिश वगैरह के बारे में बात करेंगे।